ठीक है, आज आपके द्वारा जो पुतला फूका गया था उसका क्या उद्देश्य रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूका गया है और हमारे कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई है इसके कारण। अच्छा, पाकिस्तान को कोई संदेश? संदेश क्या, यही संदेश है कि हम उनको घर में घुस के मारेंगे अगर ये बात मतलब अब हुई या कुछ भी। आज पुतला आतंकवाद का फूका गया जो कश्मीर में हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है उसके विरोध में आतंकवाद का पुतला फूका गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार बनी है उसी समय से यही हमारे कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं की एकदम बढ़ोतरी हुई उसी के विरोध में ये पुतला फूका गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मैं शोभित चतुर्वेदी। अच्छा, आज यहाँ पर आपके द्वारा कस्बे के मैन तिराहे पर पुतला फूका गया था, तो किस चीज़ का ये पुतला था और इसका क्या उद्देश्य था? हमारे भारत के अंदर कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई जी। इस संबंध में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया कि भारत का कोई भी हिंदू कमजोर नहीं, उसको कमजोर ना समझा जाए और अगर कमजोर समझा जाएगा तो कश्मीर में घुस के मारेंगे। अच्छा, किसका पुतला था ये? पुतला पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के झंडे का था। पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश में घुस घुस के हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का जो माइंड वॉश कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आपका? मेरा नाम नारायण प्रताप है। अच्छा, आज जो यहाँ पर पुतला फूका गया था किसका पुतला था और किसके लिए फूका गया था? इमरान खान का पुतला था और पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर में जो हिंदू भाई हैं उनके प्रति जिस प्रकार से जो कुकृत्य किया जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसके सापेक्ष में ये यहाँ पर आज हम लोगों ने एक पाकिस्तान के लिए एक संदेश भेजा है कि अगर आप इस तरह से हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा किसी प्रकार से, तुम्हारे साथ वो किया जाएगा जो तुमने कभी अपने दिमाग में सोचा नहीं होगा।